बले बले बले, ओ बले बले। क्या बात है टिंकू, बहुत अच्छा डांस कर रहे हो। हाँ, मैंने कल रात को ही ये टीवी पर देखकर सीखा है। ये कौन सा डांस है टिंकू? इस डांस को भंगड़ा कहते हैं। अरे हाँ दोस्तों, मुझे भी एक डांस आता है जिसे कथक कहते हैं। अच्छा, करके दिखाओ चुटकी। अरे वाह चुटकी, तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। डांस तो मुझे भी आता है। तो हो जाओ शुरू गप्पी गुरु। इस डांस को क्या कहते हैं गप्पी? इसे कहते हैं गप्पी डांस। अरे वाह बहुत बढ़िया गप्पी। दोस्तों आज लगता है तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करनी है। अरे वाह बच्चों, मैं तुम सबका डांस देख रहा था वहाँ से। थैंक यू पापा, लेकिन अब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, डांस नहीं। अरे बच्चों, क्या तुम जानते हो कि डांस भी एक्सरसाइज करने का एक मजेदार तरीका है? क्या सच में पापा? हाँ बिल्कुल। सोचो तुम लोगों ने डांस करते हुए शरीर के कौन कौन से अंगों को इस्तेमाल किया और कैसे उससे डांस स्टेप्स बनाए। हैप्पी चाचा, हमने इस्तेमाल किया अपना हाथ, पैर, गर्दन, पेट। मुझे लगता है कि हमने अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल किया। हाँ पापा, ऐसे तो हमने कभी डांस के बारे में सोचा ही नहीं। ये कितना मजेदार तरीका है एक्सरसाइज करने का। शरीर के सारे अंगों का करके इस्तेमाल किया हम सभी ने मजे से डांस। तो बच्चों हो जाए एक बार फिर दिनक दिन था मिलाकर एक एक स्टेप बनाए नया डांस। दोस्तों किया हम सभी ने धिनक धिन धा। ऐसे करके एक्सरसाइज सेहत होगी जबरदस्त और सब हो जाएंगे मस्त। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा डांस? अब आपको है किस बात का इंतजार, अब आप भी करो धिनक धिन धा। आप भी हमारी तरह भंगड़ा या कथक भी कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह खुद अपने डांस स्टेप भी बना के उसे अपना कोई नाम दे सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जरूरी ये नहीं कि आप कैसा डांस कर रहे हैं, जरूरी ये है कि आप डांस को एंजॉय करें। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।